तो दोस्तों, मैं वापस आ गया एक और नई वीडियो के साथ। तो मैं YouTube पर ऐसे कुछ सर्च कर रहा था, तभी मुझे मिला डेड बाय डेलाइट का गेम प्ले। मैंने गेम प्ले देखा तो मुझे गेम बहुत अच्छा लगा, वरना रोज का वही कैंपर से मरना, लैग की वजह से हार जाना BGMI के अंदर। तो मैंने सोचा आओ थोड़ा नया गेम ट्राई किया जाए, इसलिए मैं प्ले स्टोर पर गया और डेड बाय डेलाइट जैसे ही सर्च किया, मुझे मिल जाता है दिस गेम इज़ नॉट इन योर रीजन, मतलब इंडिया में ये गेम बैन कर दिया गया है। तो यार क्या करे भाई, मेरे को तो ये गेम खेलना था। तो मैंने ऐसे ही कुछ ढूंढने की कोशिश की तो मुझे एक गेम मिला, हॉरर फील्ड। तो मैंने इस गेम को खेला, लेकिन ये वैसा नहीं था जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। मुझे चाहिए था एक 3D गेम जिसके अंदर मैं बर्ड व्यू से नहीं बल्कि नॉर्मल TPP व्यू से गेम खेल सकूँ। TPP या फिर FPP दोनों में मेरे को चल जाता, लेकिन इसके अंदर बर्ड व्यू था जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मेरे को बर्ड व्यू बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऐसे टाइप के MMORPG वाले गेम्स में बिल्कुल भी नहीं खेलता। मुझे चाहिए था एक TPP व्यू वाला गेम। तो मैंने और थोड़ा प्ले स्टोर पर ढूँढा, तब मुझे मिलता है ये। तो मैंने इसे खेला, इसका मैंने सबसे पहले ट्यूटोरियल आपको दिखाता हूँ, जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि बर्ड व्यू से तो नहीं लेकिन नॉर्मल व्यू से हमें थोड़ी स्टोरी समझाई जाती है कि कैसे हम यहाँ पर अटक गए हैं, और ये हैं वो स्कैरी टीचर, खौफनाक शिक्षक, जिससे हमें बच के भागना है, और वो हमें यहाँ से भागने नहीं दे रही है। उसने एक बच्चे को उठा लिया, कहाँ लेके जाएगी। अच्छा, ये अभी लड़की हमें समझाएगी कैसे करना है। तो मैं इसके पीछे गया तो इसने मेरे को ये चाबी का की माइनिंग करने वाला टूल दिखाया, की माइनर। अब इसका भी सिस्टम कुछ वैसा ही है, उसमें ये देखो ये क्लॉक, जैसे डेड बाय डेलाइट के अंदर ये कुछ लीवर जैसा करेक्ट टाइम पे प्रेस करना होता है ना, वैसा ही इसके अंदर है। वरना भैया वो हॉरर फील्ड में एक बार चालू कर दिया तो समझ लो चालू कर दिया, और इसके अंदर अगर गलती से उलट दबा दिया तो आपको खुद को शॉक लग सकता है, तो ज़रा संभाल के। तो ये की माइनर से अभी की माइन हो जा भाई, लो मेरे को एक की मिल गई, अभी यहाँ से भागो। अच्छा, इसने की लगा दी, मैं भी एक लगा देता हूँ, ये लो लग गई। तो इस गेम में थोड़े बहुत तो बग्स ग्लिचेस आते हैं। अभी इधर ही देखो, मैं यहाँ पर ये की माइनर पे लग जाता हूँ, मेरे को धक्का लगा, मैं किधर गया भाई, अबे की माइनर किधर है, मैं हाथ कहाँ चला रहा हूँ भाई, ये क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ी की माइनिंग की, और की माइनिंग करते करते इधर थोड़े बॉट्स भी है, तो यहाँ बॉट्स के साथ साथ बग्स भी है, ग्लिचेस भी है, इतना तो चलता है, लेकिन ज़्यादा बकवास तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी इधर देखो, ये भागते हुए आ रहा है बंदा, fast as fuck boy. अब मैं यहाँ पर की माइनिंग करने लग जाता हूँ, मेरे को लगा भाई इधर कोई वो स्कैरी टीचर आएगी नहीं, और तभी Game over. स्कैरी टीचर से पीछा तो छूट गया, लेकिन ये क्या था, ये क्या है भाई, कैसा चल रहा है। अब यहाँ पर मैंने तीसरी अपनी चाबी लगा दी, अब भाग लो यहाँ से। अभी मैं यहाँ पर की माइनर ढूंढ ही रहा था, और तभी देखो ये क्या ग्लिच है भाई, अबे कंधे पे उठाया फिर कमर पे। तो ये बंदा हम उसको पकड़ लिया उस सिक्योरिटी टीचर ने, अब इसको बचाना तो पड़ेगा। यहाँ पर भी वैसे ही सीन है, उसको पिंजरे में डाल दिया, और जैसे ही पास आती है अपना दिल धड़कने लग जाता है। तो मैं थोड़ा उसको चकमा देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर वक्त पर इसको पिंजरे से बाहर नहीं निकाला तो ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर पिंजरे के पास आके इसको खोल लिया, लेकिन ये थोड़ा लंगड़ा के चलेगा, अभी ये थोड़ा सा भी लंगड़ा के चलेगा, क्योंकि इसको फटके पड़ गए, वैसा ही सीन है, नॉक भी हो जाते हैं बंदे इसके अंदर।
इसके अंदर मार के वो नॉक भी कर देता है। मैं यहाँ पर आके थोड़ी की माइनिंग करने लग जाता हूँ। अभी यहाँ पर की माइनिंग करते करते वो स्कैरी टीचर मेरे पीछे पड़ जाता है, उसके चक्कर में मेरे को झटका लग गया, तो मैं अपनी जान बचा के भागना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि इससे पीछा छुड़ा सकूँ। लेकिन इधर हमारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी मतलब फ्लोक की एक एबिलिटी है, लेकिन तभी यूज होगी जब टीचर हमारे पीछे दौड़ेगी। ये देखो मेरे पीछे घूम रहा है वो। अरे जाने दे भाई जाने दे, मैं अपना किधर किधर से भाग भाग के वहाँ जा रहा हूँ। जैसे तैसे यहाँ पर आके की माइनिंग का काम, भाई इधर सामने ही है, सामने ही है, मेरे को देखने ले, इधर नहीं हूँ मैं, इधर नहीं हूँ, पीछे नहीं हूँ, आगे जा आगे जा। अब वहाँ से एक की मैंने माइन कर ली, मेरे को इधर एक बंदा मिला, ये रियल बंदा था। तो मैंने इधर चाबी लगाने के लिए आ गया, वो भी मेरे पीछे आ गया। इसके अंदर वॉइस चैट नहीं है, हम मैसेज डाल सकते हैं। तो मैंने चाबी खोल दी, लगा दी। ओके मैं तो भाग गया, लेकिन वो किधर है, जरा आके उसको स्पेक्टेट किया जाए। एक तो बंदा गया, दो को पिंजरे में डाल दिया। दरवाज़ा बंद, ये थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है, ये इसकी प्रॉब्लम है। दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए नहीं खुलेगा, हमको खुद वापस से जाके चाबी माइन करनी पड़ती है। एक की माइनर पे अगर हमने काम कर दिया तो थोड़ी देर के लिए उसका कूल डाउन रहता है, तो कूल डाउन ख़त्म होने के बाद वापस से वहाँ पर चाबी माइन कर सकते हैं। तो इसने अभी दो चार चाबी लगा दिए, अब यहाँ पर चाबी माइन करेगा ही। वैसे उसने सक्सेसफुली चाबी माइन कर ली, स्कैरी टीचर ने उसके पीछे नहीं दौड़ी और उसने जैसे तैसे दरवाजा खोल लिया। अब की बारी मेरी बारी हंटर बनने की, तो मुझे यहाँ पर कुछ रिवील की एबिलिटी मिलती है। जैसे मैंने स्टार्ट की, भाई सस्ता ESP मिल गया मेरे को, सारे बच्चे उनकी लोकेशन दिख जाती है इसके अंदर, दूर होंगे तब दिख जाएगी। ये देखो उसको डंडा पड़ गया, डंडा पड़ने के बाद थोड़ी देर स्टन होता है। ये देखो लंगड़ा आ रहा है, ये नॉक हो गया, इसको उठाओ। अरे उठा ले भाई, वाह डायलॉग मस्त डाला है। हमको इधर ये भी हाईलाइट हो जाते हैं, क्या बोलते हैं वो पिंजरे, तो इस पिंजरे के अंदर डाल दिया। ये ऊपर इसका लाल बार है, वो हेल्थ कह सकते हो टाइम, अगर वो ख़त्म हो गया तो ये मर जाएगा। बच्चे भी आ गए इधर, वो देखो सामने भाग रहा है। रुक जा बेटा, बेटा प्रसाद मिलेगा तेरे को, आ जा बेटा आ जा। ये लो इसको पड़ गया फटका, और एक खा, अबे कूद के भाग गया, कूद जा कूद जा कूद जा। किधर है बे, वो देखो मुन्ना कहाँ भागेगा, किधर गया, घर के अंदर। ये देख लो फटका खाया, ये ले। इसको अभी भी डाल दो, अब इसको भी डाल दो पिंजरे के अंदर। और इसमें एक वैसी चीज़ है जो डेड बाय डेलाइट के अंदर है। अभी देखो मेरे को स्टन कर दिया उसने, अगर स्कैरी टीचर हमको पकड़ लेते हो तो हम उसको चकमा देके ऐसे मार ले सकते हैं, लेकिन कुछ फायदा तो है नहीं, ऐसा पीछे आके मारेगा वो। थोड़ा ज़्यादा कूल डाउन डाल देते कि भाई एक मिनट के लिए वो स्कैरी टीचर एकदम पगला जाती है, ऐसा कुछ कर देते। ये ले अबे, ये ले मार खाएगा। अरे अरे आ जा बेटा, ये अरे फटका पड़ा, लो गया। इनको इनके पास छोटी मोटी एबिलिटी होती है जैसे कि क्लोक वगैरह की, लेकिन कुछ ऐसे टूल्स भी डालने चाहिए गेम के अंदर जैसे बाकी इसके अंदर होते, टॉर्च लाइट, हीलिंग वगैरह वगैरह, तो इसके अंदर मस्त। अरे मेरे को वापस से चकमा देके भाग रहा है, रुक जा तेरी ऐसी की तसी किधर भाग रहा है, रुक। अरे कूद जा, एक और फटका था, हो गया नॉक। आ जा बेटा, तेरे को अभी वापस से पिंजरे के अंदर डाल देता हूँ। दो बंदे तो मर चुके हैं, ये तीसरा, वो देखो दोनों के दोनों सामने इसको बचाने आ गए। तू खाएगी, तू खाएगी, ये लो एक नॉक, तू भी खा। अबे रुक 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 रुक, तेरी ऐसी की तसी, रुक बेटा तू और खा। चल तेरे को पकड़ के लेके जाता हूँ, शायद ये वो अपने आप वापस से रिवाइव हो जाएगी ना, मालूम नहीं भाई ये रिवाइव होगी कि नहीं, इसको नॉक करके डाला है, वापस से रिवाइव होगी शायद। इसके बाकी के टीममेट गए, बॉट से इसलिए ज़्यादा बेटर था, लेकिन अगर इस सोचो इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स आ गए तो इसमें कितना मज़ा आएगा नहीं।
क्योंकि 3D है, डेड बाय डेलाइट तो हमको खेलने को मिलेगा है नहीं हम भारतीय लोगों को, तो यही अच्छा है। किधर है अपनी एबिलिटी? नहीं, ये देखो नॉक पड़ी है। ऐसा कुछ मैकेनिज्म डालो कि भाई एक दो सेकंड में वापस से रिवाइव हो जाए, उसको रिवाइव करने के लिए कोई साथी की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा कुछ डाल दो। डेड बाय डेलाइट के अंदर भी, सॉरी इसके अंदर भी था, हॉरर फील्ड के अंदर वैसे ही था। ये लोग आया, लो जीत गए। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। फाइनली एक ऐसा गेम मिला जो डेड बाय डेलाइट की तरह है और वो भी एकदम टिप व्यू में 3D, ऐसा 3D कह सकते हो, बर्ड व्यू वाला नहीं, स्केरी लैंड्स भी ऐसा ही कुछ गेम है इसी टाइप का कुछ, मतलब नहीं TPPM वाला नहीं है, हॉरर फील्ड की तरह बर्ड व्यू वाला है। कम से कम कोई तो ऐसा गेम मिला जो डेड बाय डेलाइट की तरह हो, वो अलग बात है। डेवलपर की लोकेशन लाहौर दिखा रही है वो अलग बात है, लेकिन और ये भी अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर लोकेशन दिखाने के बावजूद इंडिया का सर्वर मौजूद है, ना कि पाकिस्तानी सर्वर, डायरेक्ट एशिया या फिर इंडिया। इसको क्या लगा, इंडिया में इसके फैंस है शायद इस गेम के या फिर और भी गेम्स के फ़ैन होंगे, इसलिए क्या होगा। आपको ये गेम कैसे लगा चाहो तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, ट्राई करना ना करना आपकी मर्ज़ी। मेरे को तो ये गेम बहुत अच्छा लगा तो मैंने इस गेम को ट्राई किया। अगर आपने इस गेम को ट्राई किया हो या फिर आपने इसको पहले खेला तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये गेम लगा कैसे। तो मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।